उमरिया जिले के नौराजाबाद थाना अंतर्गत कंचन खुली दुकान से लगे किसान के खेत में दो शव मिलने से सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार एक हफ्ते से महिला और पुरुष दोनों अपने घर से लापता थे। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है, वहीं पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची। हालांकि मृतकों की शिनाखत नहीं हो सकी, शव 6 से 7 दिन पुराना लग रहा है। वहीं इस मामले में हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। कंचन में था, जहाँ तक पहुँचा तो बोले कि यहाँ पे ऐसा कुछ बॉडी पड़ी हुई, इतना आके देखा। फिर मैं 100 डायल किया। फिर इसके बाद फिर सभी लोगों को यहाँ आते हुए देखा, ये समझ भी नहीं आ रहा कि सर लगभग 8 से 9 दिन की ये घटना है ना, इसे कुछ समझ में नहीं आता। अब उसके पीछे ये बुधवार से लापता है, करीब आज 7-8 दिन हो गए। इसकी सूचना आपने थाने में दर्ज कराई थी? जी, गए थे थाने में दर्ज कराने, तो वहाँ बोल रहे थे थानेदार साहब कि तुम पहले ढूंढ के लिए आओ, फिर इसके बाद दर्ज कराना रिपोर्ट। तो हमने वापस आया, फिर गए पापा को आज भेजे थे वहाँ, जहाँ बोले थे धर्मपाल भैया कि नर्मदा तरफ गए हैं, तो नर्मदा में गए हैं तो वहाँ नहीं पाए हैं, वापस आ गए हैं। उसे निकले हुए सर आज 8 दिन हो गया, बुध को निकले थे, आज भी बुध है, 8 दिन हो गए। आपको कैसे सूचना मिली थी? मेरे को कोई सूचना नहीं था, मैं कोदो कटाई कर रहा था, फिर मैं सोचा कि उसका पता नहीं चल रहा है, तो मैं कल गया था थाना, कल रिपोर्ट किया हूँ। तो आप देखे कि बॉडी पड़ा हुआ है? जी हाँ। इसकी सूचना किसको दिए थे आप? फिर सरपंच को दिए। कौन है सरपंच? वीरेंद्र दादू। अच्छा, फिर उन्होंने क्या कहा? फिर उन्होंने फोन किए थाने में। अच्छा, पुलिस कितने टाइम पहुंची यहाँ? पुलिस का मैं नहीं जान सकता, मैं चले गया हूँ खान। बॉडी तो देख रहे हैं पुरानी लग रही है, तो खेत में आज आप आ जाएं हम 15 दिन कम से कम बाद आ जाएं। थाना नौरोजाबाद के अंतर्गत कंचन खदान के समीप एक खेत में दो शव प्राप्त हुए हैं, जिसमें एक महिला का है, एक पुरुष का है। महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में है और शव को देखने से लगता है कि ये शव लगभग 4 से 5 दिन पुराने होंगे, और अभी इसमें मर्ग की कायमी की गई है और जांच की जा रही है, जल्दी ही इसमें आगे खुलासा किया जाएगा। शव की पहचान वगैरह कुछ अन्य शवों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।